मंत्री जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव की सड़क बना दे ताकि हमारे पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। यहाँ की रास्ता बहुत खराब है, यहाँ पर बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते। कम से कम 4 माह में 1 माह बच्चे पढ़ने जाते हैं। 20 साल से यही रास्ता है। तो आप लोग भी जाते हैं यहाँ नाहरपुर तक? कैसे नाहरपुर तक जाते हैं? बस पैदल जाते हैं, जूता हाथ में लेते हैं, जाने लायक जगह नहीं, चप्पल टूट जाती है। टीचर में हाँ। कितने दूर स्कूल जाते हो आप पढ़ने? 3 किलोमीटर। मैंने देखा आपको चलना आ जा तो भैया बहुत परेशानी है, ना तो कोई रिक्शा ना कोई साइकिल, न बहाते हैं इस कीचड़ भरे रास्ते। हाँ सुनत हो तो कहे कितनी हैरानी, कहे को कुछ आ भैया कीचड़ में बच्चे ऐसे ही सब बच्चन सब हैरानी है, एक बच्चन घर का नहीं आए, सब बहन है सब को। नमस्कार, जुड़ गए हैं आप एक बार फिर बुंदेली दर्पण में। मैं राजेंद्र सिंह और एक बार फिर हम हाजिर हैं बुंदेली दर्पण में सामाजिक सरोकार की एक खबर लेकर। ये खबर है छतरपुर जिले के गौरिहार क्षेत्र अंतर्गत निगवापुखरी गांव से, जहां के तमाम बच्चे 3 किलोमीटर के लगभग दूर निगवापुखरी से नाहरपुर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। हाई स्कूल नहीं है गाँव में, हाई स्कूल में पढ़ाई करने ये बच्चे जाते हैं, लेकिन जो सफ़र है उनका वो कितना मुसीबत भरा है। कच्ची सड़क है जो बारिश में कीचड़ और दलदल में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद बच्चे किस तरीके से इस सड़क से गुजरते हैं, इस कच्ची गली से गुजरते हैं, कैसे परेशान होते हैं, और आखिरकार यह भी कहते हैं कि मंत्री जी कृपा करके यहाँ का रोड जरूर बनवा दीजिए। आपको यह भी बता दें कि चंदला विधानसभा क्षेत्र से इस बार दिलीप अहिरवार विधायक हैं, जो वर्तमान सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। हमारे सहयोगी वीरेंद्र पटेल के साथ देखें पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। आज बुंदेली दर्पण टीम ग्राम निगवापुखरी पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहां से 2 से 3 किलोमीटर नाहरपुर का रास्ता है जो बेहद कीचड़ से सना हुआ है, फटा हुआ है, और ऐसे हालात में यहां के बच्चे हाई स्कूल नाहरपुर पढ़ने जाते हैं। पूरी चीज़ें एकदम ऐसी हो गई हैं जिससे ये पता चलता है कि यहाँ अभी तक राजनेताओं को कोई भी सुध नहीं ली गई है जिससे ये रास्ता बन सके। आइए हम जानते हैं बच्चों से क्या परेशानी होती है उनको। क्या नाम है बेटा आपका? निवेन पटेल। क्या दिक्कत होती है इस रास्ते से निकलने में? बहुत जाते हैं तो कीचड़ पूरे नहा जाते हैं। अच्छा, तो ये बरसात में पूरे समय होता है? कितने दिन स्कूल जा पाते हो? जैसे अच्छी बरसात होती है तो जा पाते हो? नहीं जा पाते। और किस तरह की परेशानी आती है आपको? जाते हैं मास्टर। अच्छा, आपका क्या नाम है? अरविंद पाल। क्या दिक्कत होती है भैया इस रास्ते से? बहुत दिक्कत होती है, अगर स्कूल जाए पानी मर्जी से नहीं जा पाते, मैम के देखिए ड्रेस पहन के और ड्रेस यहाँ तो फिसल जाते हैं, ड्रेस फाट जाती है। अच्छा अच्छा। मैम फिर पकती है की ड्रेस क्यों नहीं पहन के आया, हम कह देते हैं वहाँ हो जाता तो नहीं होगा, यहाँ पे स्कूल भी नहीं जाते तो हमारा कोर्स पीछे हो जाता है, इसलिए हमारी मार्कशीट पीछे हो जाती है। कौन सी कक्षा पढ़ती हैं बेटियाँ? क्या नाम है आपका? रेखा देवी पाल। कैसे दिक्कत आती है आपको, पैदल जाती हैं आप रोज? हम यहाँ से स्कूल जाते हैं किन्नों कैसे नहीं जा पाते हैं, इतना कीचड़ होता है, हमारी ड्रेस फट जाती है और मैम बकती है, इसलिए तो हमारी कोर्स पास पाछे हो जाती है और मार्कशीट में भी दिक्कत आ जाती है। अच्छा, हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या दिक्कत आती है इस रास्ते से। रास्ते सर कोई निकल नहीं पाता है, मरीज जो है तो गाँव में सर मरीज हो जाए कोई मर चाहे जाए वहाँ, लेकिन यहाँ से चलना नहीं जा पाता है कभी। ये कब से ऐसी रास्ता देख रहे हैं आप? ये रास्ता देख रहे हैं हम, इतने बड़े होगा हमें रास्ता यही है। अच्छा, और कोई इसके लिए कोई प्रयास किए आपने? प्रयास हम इतना करे हैं कि विधायक से और जो जौन विधायक बनता है उसी से कहते हैं, विधायक से कहते सरपंच से कहते हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। पहले तो कह देते हैं कि हाँ हम बनेंगे तो काम करेंगे, अब बन गए यहाँ से फिर कोई यहाँ देखने नहीं आता है। अच्छा, एक युवा है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गोविंद पटेल सर। गोविंद जी, ये बताइए कि कैसे ये हालात हैं और क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे? सर क्या है कि निगवा पुखरी से नाहरपुर जाने के लिए बहुत दिक्कत है, ये बच्चे जो जितने हैं यहाँ पे सब लोग ये ड्रेस पहन के जाते हैं स्कूल में, तो ड्रेस ऐसे रहते नहीं कि बिना ड्रेस के स्कूल पहुँच जाएँ, अब ये बिना ड्रेस के जाते हैं तो इनको रोज मार भी गलती है, इनको बहुत डांटती है मैम है प्रिंसिपल अपने यहाँ की, वो बच्चे बता रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ मैम है वो डांटती हैं, हम लोग यहाँ गिर जाते हैं साइकिल नहीं जाते, अगर साइकिल से आते हैं तो इनके पैर और ड्रेस भिड़ जाती हैं, तो स्कूल में गए तो मैम
लोग डांटती हैं तो एक दो दिन में ऐसी छूट दे दी है मैम ने कि जब तक आपके यहाँ की रास्ता नहीं सही तो कोई दिक्कत नहीं आप, लेकिन स्कूल आओ प्रतिदिन और जैसे भी आओ स्कूल आओ। तो जो लोग जाते हैं यहाँ पे, जो भी इंसान मतलब निंगवापुरी से चलना के लिए बाजार वजार करने के लिए, जो भी चक्की है यहाँ पे आटा पिसाने के लिए, हमारे यहाँ चक्की नहीं है, वो आटा चक्की नहीं है यहाँ पे आटा पिसाने के लिए, जितने भी लोग हैं, जितने गरीब आदमी जैसे गाड़ी वाले हैं, कोई पगडंडी रास्ता थोड़ी सी बन जाती सूखने के बाद, जैसे पानी बरस गया तो कुछ कोई भी नहीं आ पाता, चाहे जितना बड़ा आदमी हो वो सिर में ही रख के आएगा, अगर उसको आटा का मतलब रोटी खाना है तो वो सिर में रख के आएगा, बाकी कोई यहाँ पे निकल नहीं पाता है। और यहाँ पे हालत कम से कम यहाँ पे जब से मैं छोटा हुआ, छोटे से अभी तक इतना 24 साल का हो गया हूँ, यही हालत में देख रहा हूँ। इसी रास्ते से आप भी जाते थे पढ़ने? इसी रास्ते में मैंने बार भी यहाँ पे कर लिया, फिर उसके बाद मैंने इंदौर में पढ़ाई की बाकी जो भी है। अच्छा ये बताइए, अब तो आपके यहाँ के विधायक मंत्री भी है मोदी सरकार में? जी जी, जो अपने यहाँ के मामा थे उनने भी, उनसे जो राजेश प्रजापति जी विधायक, पूर्व विधायक थे पहले के, उनसे हमने कहा था, उनने कहा था कि हमारे बनने के बाद उनके पहले पिताजी थे, पिताजी से भी उनके बोला था, उनने भी नहीं कुछ किया। फिर उसके बाद उनके लड़की हुए विधायक जी, उनसे भी बोला, उनने भी 5 साल 8 साल कर लिया, फिर उसके बाद कुछ नहीं। अब दिलीप अहिरवार जी आए हैं हमारे विधायक जी, उनसे बड़ी दुखवास थी कि उन जब आए थे वे तो जब कहा था उनने कि कहते हम रास्ता तुरंत बनवाएंगे हमारे जीत के बाद, तुरंत जब हमारा फूल का घोषणा जब जैसे ही जीत होगी तैसे ही तुरंत वह होगा, यहाँ पे काम शुरू होगा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उनसे दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द काम शुरू करवाए विधायक जी का हमारे, और यहाँ पे कोई नहीं सुनता है, इन लोगों की बड़ी दिक्कत है, इन लोगों का भविष्य बनाने। अच्छा, हाई स्कूल एक है यहाँ पे आसपास? हाँ जी जी, हाई स्कूल नाहरपुर में। अच्छा। एक ही स्कूल है यहाँ पे आसपास 15 किलोमीटर के आसपास एक ही स्कूल है ये नाहरपुर। अच्छा, निघुआ पुखरी से जाने के लिए जो घटरा ग्राम पंचायत है आपकी? जी जी। तो घटरा जाने का भी रास्ता नहीं है? घटरा जान उस साइड से, घटरा नाहरपुर से घटरा जा सकते हैं? गांव से नहीं, गांव से नहीं जा सकते उस साइड से, तो इस साइड से भी भयंकर है, वहाँ पे नाला निकला है तो नाले में कम से कम 1 किलोमीटर की आधे से ज्यादा नाले की वजह से तो 1% गाड़ी ना बच्चे कोई भी नहीं निकल सकता, वहाँ नाला 24 घंटा चलता है आजकल, वहाँ पानी के बाद निकल नहीं सकते, इसी रास्ते में निकल सकते हैं। अच्छा, राजमंत्री जी से क्या अपील करेंगे आप? हम ये अपील करते हैं कि एक रास्ता बनवाएं, ये तो इस साइड वाली है तो उस साइड वाली, लेकिन रास्ता जरूर बनाए, हमें तो इस वाली रास्ते की मांग है कि इस वाली रास्ते को जल्दी से जल्द बनवा दें, जिससे हम हमारा काम जो रुका है सुबह पूरा हो जाए, बच्चों का भविष्य सुधरे, जो 4 दिन स्कूल नहीं जाए जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आपने सारी चीजें सुनी और यहाँ की समस्याएं देखी, क्या हालात हैं, बद से बदतर हालात हैं, और हम भी अपील करते हैं प्रशासन शासन से कि इस रास्ते को जल्द बनवाएं ताकि ये नौनिहाल शिक्षा के लिए अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकें। बुंदेली तीर्थ दर्पण के लिए बीरन पटेल। बुंदेली दर्पण में हम फिर मिलेंगे किसी सामाजिक सरोकार की खबर को लेकर, तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त, नमस्कार।